स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, यानी कि प्रशासनिक फेरबदल ट्रांसफर हुए और बड़ी संख्या में हुए हैं। 108 आईएएस अधिकारी को तबादले कर दिए, जिसमें 20 के पास में एडिशनल चार्ज भी है। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पूरे तबादला सूची का ऑपरेशन करेंगे जर्नलिस्टिक नजर से। और हमारे साथ ओम सैनी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे जानना भी चाहेंगे। कई दशक से वो देख रहे हैं इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग्स। श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं हमारे साथ, राजीव जैन साहब हैं। ओम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं एक चीज ये देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से समझ लीजिए, या हो सकता पहले भी ऐसा होता हो, सरकार बदलने के साथ ही एक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार होता है। ये रहता है कि बड़ी संख्या में ट्रांसफर होंगे, नयों को कुछ पोस्टिंग मिलेगी, कुछ का ये मानना होता है कि उस आइडियोलॉजी के लोग हैं या उस सरकार में ये बर्फ में थे तो बर्फ में से निकाल के अब पता नहीं कहाँ पहुंचाएंगे उनको। तो कुछ ऐसी चीजें पहले भी चलती थी, और क्या असर पड़ता है इसका कि जब तबादला सूची का इंतजार होता है? योगेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा जो शासन तंत्र है वो संविधान के अनुच्छेद 163 से संचालित होता है, जिसमें राज्यपाल के नाम से ही शासन होता है। और राज्यपाल की के सलाह मशवरे के लिए मंत्री परिषद होती है, लेकिन होता उल्टा है कि राज्यपाल को सलाह मशवरा दें या स्वयं ही मतलब राज्यपाल स्वीकृति देते रहे। तो वही सिलसिला चल रहा था। तो साथ साथ में क्या हो कि जैसे जैसे 18 साल तो हमारे बड़े आसानी से गुजर गए, लेकिन उसके बाद का जो शासन आया और जिसमें चीफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल बदले हैं, उसमें एक अलग बात देखने को मिली। वो ये कि अपनी पसंद के लोगों को उन जगहों पर लगाते रहे जहां से उनको ठीक लगता हो। इसमें वो संवैधानिक वो छोड़ दीजिए, जहां पर राज्यपाल से सलाह लेना और उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक है, अन्यथा सब ऐसा होता है। कि ये पहले तो ये सहज रूप से हुआ, लेकिन उसके बाद में चहेतों का सिलसिला रहा। तो उसके बाद में ये हुआ कि अगर किसी एक वर्ग की अगर जिसे कहना चाहिए अगर नौकरशाही है तो उसको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए, ये होने के बाद में फिर गुलमुल हो गया। तो ये उससे ये हुआ कि जो नौकरशाही का कमिटमेंट लोक सेवक के रूप में संविधान के प्रति और रूल बुक के लिए होता था, वो बदलने लगा। वो व्यक्तियों के लिए हो गया कि कौन मंत्रिमंडल में ताकतवर है, कौन मुख्यमंत्री के साथ में कौन लोग कैसे हैं, तो उनके हिसाब से तब सिलसिला बनने लगा। लेकिन ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मंत्री परिषद का अपना हक है, ये मुख्यमंत्री का अपना हक है कि वो अपनी किस्म से अपनी पसंद के नौकरशाहों को जहां चाहे नियुक्त करें ताकि शासन तंत्र। ओम जी, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले कुछ समय से सुन रहा था कि लिस्ट कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जो अधिकारी मीडिया पर्सन या दूसरों को, खासकर मीडिया के लोगों को ये करा देते थे मैसेज कि थोड़ा बाद में आएंगे, अभी साफ दीजिए, वो अगर मीडिया के किसी व्यक्ति की पर्ची जाती तो तुरंत बुलाते थे, पूछते यार चल क्या रहा है, किसकी चल रही है, कौन क्या है। तो मैं उस चीजों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ट्रांसफर पोस्टिंग के वेटिंग जब एक वो चलता है टाइम, तो उसका कुछ असर पड़ता है कामकाज? बिल्कुल पड़ता है। जब से ये सब सिलसिला बनने लगा है, रूल बुक से हट करके और व्यक्तियों के साथ में जुड़ने का सिलसिला बनाने लगे। देखिए, राजशाही मंत्री परिषद का और नौकरशाही का दोस्ताना ताल्लुकात नहीं होना चाहिए उस तरीके से। उनके बीच में एक रूल बुक होती है जिसके माध्यम से सारे काम होने चाहिए, वो होना खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में अपनी पसंद के अफसरों को ला करके उनके माध्यम से वो सब काम करवा सकते हैं। जो आपने अभी भी देखा कि कुछ लोग है जिनको छुआ नहीं गया, वो पहले वाले मंत्रिमंडल में भी उसी जगह पर थे, वर्तमान में उसी जगह है। उसका कारण क्या है? उसका यह कि वो ठीक से समझ गए कि सत्ता के साथ में कैसे अपना जोड़ तोड़ बिठाया जा सकता है, और वो उसी जगह पर रहना चाहते हैं। अब इसके लिए कई शब्द हो गए कि मलाई वाला, मलाई खाने वाला, और ये करना के ये जो कि संसदीय शब्द नहीं है, ये मीडिया के पैदा किए हुए शब्द है जिनके माध्यम से सीधा संकेत मिलता है कि ये यहीं पर क्यों बैठा रहना चाहता है। तो वो बोले तो हम वो तो बोलेंगे, लेकिन ये ऐसा होता तो है। जी जी, चले राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप ओम जी का एक्सपीरियंस जानना चाह रहे थे कि पहले क्या होता था और अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, विशेष अधिकार है सरकार का, वो किसको कहां लगाती है, किससे काम किस तरह से लेना है, वो उनका पार्ट है, क्योंकि जवाबदेही सरकार की होती है।
पर्टिकुलर किसी अधिकारी की, यहाँ कोर्ट में जवाबदेही हो सकती है, लेकिन जब 5 साल बाद चुनाव में जाते हैं तो नफा नुकसान का हिसाब जनता मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से या जनप्रतिनिधि जो हैं सरकार में बैठे लोग हैं उन्हीं से लेती है। अभी जो सूची है इसको लेकर के जानना चाहेंगे, सूची निकली है उसके 2 घंटे बाद से एक चर्चा हो रहा है कि संशोधित लिस्ट आ सकती है, छोटी लिस्ट और आ सकती है, तो ये कयास चलते रहेंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये नौकरशाही में कयास चलते रहते हैं कि एक सूची निकल जाती है तो ये चर्चा में आता ही है कि जल्दी एक और सूची आएगी, क्योंकि कुछ पद खाली रहते हैं, कुछ को अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है, अतिरिक्त चार्ज अफसरों की कमी की वजह से दिया जाता है। लेकिन ये अफसरों की कमी, मेरा तो 30 साल का पत्रकारिता का जो अनुभव है, 30 साल से ही अफसरों की कमी चलती आ रही है। मैं तो 30 साल पहले भी ये खबर बना चुका कि नौकरशाही की कमी से सरकार जूझ रही है, उसके 2 साल बाद भी वो खबर रिपीट होती है और अभी भी यही खबर रिपीट होगी, कुछ ना कुछ चर्चा में आएगा कि साहब 40 अफसर कम है, 100 कम है, ये पिछले हमेशा से रहता है अफसरों की कमी जो पिछले 30 साल से, यदि आप रिकॉर्ड उठा के देखें या गूगल भी सर्च करके देखें तो पिछले 20 साल में कोई हर साल एक आध खबर अखबारों में इस तरीके की आई जाती है, नौकरशाही की कमी है, ये तो वो एक जनरल बात है और सरकारें उस कमी से भी जूझती रहती हैं और अपना काम भी करती हैं, सरकारों को काम भी करना है। अब अधिकारियों का, जैसे आईएएस अधिकारियों का जो कैडर है, जितनी संख्या है वो उतनी रहनी है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो उनको काम उन्हीं से लेना है, बदलते बदलते रहते हैं, तो सरकारें अपनी पसंद का रखती है कौन काम करना है। जो सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनकी निगाह में ये रहता है कि कौन अधिकारी अच्छा काम कर सकता है, कौन उनकी योजनाओं का, उनका कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने में सक्षम है, तो ये अधिकारी वर्ग पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कोई भी सरकार हो वो चाहते हैं कि जो मतलब कथित तौर पे, मैं तो कथित ही कहूंगा कि मलाईदार पद जो माने जाते हैं कि उनके लिए वो हर सरकारों में जुगाड़ करते हैं, तो उस तरीके के भी अधिकारी होते हैं और कुछ राजनेता भी इस तरीके के होते हैं जो अपनी पसंद का लाते हैं। लेकिन कमोवेश अधिकारी बहुत से ऐसे हैं, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी एक और प्रदेशों के मुकाबले बड़ी अच्छी है, उस पर राजनीतिक दबाव कम ही रहता है, राजनीतिक दखलंदाजी, अब राजनीतिक सरकारें हैं तो राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी तो रहेगी रहेगी, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन अधिकारी ज्यादातर होता क्या है, पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं जो चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होते हैं वो सभी अधिकारियों की कार्यशैली को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सजेशन भी देते हैं। और कुछ पुराने राजनेता होते हैं, मंत्री जो पुराने कई बार रह चुके होते हैं वो भी सरकारों में आते हैं, कुछ और नेता भी रहते हैं, तो वो भी अपनी अपनी सलाह सरकारों को देते हैं कि ये अधिकारी अच्छा है, इस विभाग में इसका एक्सपर्टाइज है, उससे उससे काम लिया जाए, जो लेते भी है सरकारें और लेना भी चाहिए। कोई हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करने वाला अधिकारी है, कोई एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम करने वाला अधिकारी है, कोई बिजली पानी सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाला अधिकारी जिसका विशेषज्ञता हासिल है, उसकी उपयोगिता सरकार लेती है, तो अदला बदली तो चलती है सरकार। कुछ अधिकारी हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि साहब मेरे को 2 साल हो गया काम, मैं कोई नया काम करना चाहता हूँ, वो अपनी रिक्वेस्ट भी सरकार के पास भेजते हैं, तो सरकार उसको कंसीडर करती है कि उसकी पसंद का काम उसको दिया जाए जिससे बेहतर परिणाम सामने आए। अब सचिव, प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के तो जितने अधिकारी हैं और विभाग ज्यादा है तो उनमें वितरण करना ही पड़ता है सरकारों को। अब बहुत से अधिकारियों की कार्यशैली बड़ी खराब रहती है या जिनको कह सकते हैं उनकी राजनेताओं के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठती है, तो उनको कुछ और कम महत्व के पद दिए जाते हैं। तो पद तो जब सरकारी पद है तो हर पद महत्व का है, अधिकारी में यदि कार्य क्षमता है या योग्यता है तो उस कम महत्व के पद में भी अच्छा काम करके दिखा सकता है, ये हमने कई अधिकारियों का देखा है, ऐसा नहीं कह सकते। कई जो अच्छे अधिकारी थे उनको कम महत्व के पद दिए थे, उन्होंने उस कम महत्व के पद को भी इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि सरकारों को लगने लगा कि नहीं, ये अच्छा काम करने वाला है तो उसको और अच्छी जगह लगाना, उच्चा अच्छी उपयोगिता में काम लेना। तो बेसिकली तो सरकार का ये काम है कि वो अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को किस ढंग से सही ढंग से लागू करवाने वाले जो अधिकारी कर्मचारी है उनका किस जगह किस तरीके से उपयोग में लेना है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल, क्योंकि टीम उन्हीं को तैयार करनी है, उन्हीं से काम लेना, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मैं श्याम जी, 108 का जो तबादला, उस पे आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप इस लिस्ट को। योगेंद्र जी, ये तो क्या तबादलों के
पहले इतनी अहमियत नहीं हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया है। पहले चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर तबादले हुआ करते थे और वो अपने तरीके से अधिकारी लगा दिया करते थे। अब देखिएगा, पहले एक देखिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एक हुआ करते थे, अब अतिरिक्त मुख्य सचिव कितने सारे हैं? 24। अब देखिए, अगर एक एक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी लगाया जाएगा, प्रमुख शासन सचिव भी लगाया जाएगा और फिर शासन सचिव भी लगाएगा, तीन कैडर का अधिकारी एक जगह लग जाता है और चाहिए एक ही अधिकारी। पहले अधिकारी इतने थे ही नहीं ना, इस तरह से शासन सचिव पूरा संभालता था विभाग। अब यहाँ पर ACS भी है, फिर उसके बाद प्रमुख शासन सचिव है, शासन तीन कैडर अपने आप में बना लिए। अब ये बात भी सही कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ 168 IAS अधिकारियों की कमी है, क्योंकि हमने 17 नए जिले बना दिए, जिले तो नए बना दिए लेकिन कैडर के अनुसार हम अधिकारियों को केंद्र से ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। अब तो चलो RAS से IAS अधिकारी भी बन रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अब देखिएगा हो क्या रहा है कि JDA में खर्रा साहब मंत्री हैं, मंजू राजपाल वो जो चाहते हैं वो नहीं कर रही, कन्वर्सन वर्जन बहुत सारी चीजें आपको देखिए, भ्रष्टाचार का मामला वो अधिकारी उसका कहना नहीं, 8 महीने पहले लगाया था उनको। और आज जैसे सरकार बदली थी, IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे, RAS तो 750 हटाए गए थे, लगाए गए थे, फिर क्योंकि देखिएगा परिवर्तन का दौर तो चलता रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब हाउसिंग बोर्ड की बात करें, अभी हाल ही में भर्ती हुई, वहां किस तरह से स्थिति हुई थी, अब रश्मि गुप्ता को लगाया गया, अरे रश्मि शर्मा को, और रश्मि शर्मा क्योंकि पहले से वहाँ स्टेट मैनेजर रह के आई थी, और वहाँ अनिल पालीवाल को तो आपको मालूम है किस कदार पे था, ACB में मामला भी चला और कई विवादित स्थितियां, इसलिए कुछ अधिकारियों को लगाया गया। अब देखिएगा आप सुब्रा सिंह बहुत टाइम से लगाया हुआ था चिकित्सा विभाग में, बहुत सारे कमियां भी रही, पकड़े गए और क्या क्या हुआ, सारी बदनामी हुई, अब उनको रोडवेज में लगाया गया है। अब रोडवेज की स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, वहां जाकर के एक महिला को हटा करके दूसरी महिला को लगाया गया है, अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हटा करके उसको फिर, और देखिएगा RTDC की जो थी और उसमें लगा दिया, RTDC में लगा दिया, बल्कि उनको डेयरी विभाग से हटा दिया गया, और डेयरी विभाग में भी अभी लगाया है। तो देखिएगा जिस प्रकार से बहुत सारे महिला अधिकारियों को महिला अधिकारियों की जगह नियुक्ति दी गई है, अब महिला अधिकारी क्योंकि हमारे यहाँ है ज्यादा, अब दो पति पत्नी को कलेक्टर लगा दिया, देखिएगा कि फिर अभी चली गई है वापस, पहले थी जैसलमेर अब लगा दिया बाड़मेर, तो ये सब देखिएगा निश्चित तौर पर आलोक गुप्ता और आपके सामने शेखर अग्रवाल और साथ में सुधांशु पंत, तीन अधिकारी, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो इतना नॉलेज है नहीं क्योंकि वो पहली बार के बने हुए, तो इन अधिकारियों पर विश्वास करके कहा जाता है कि भाई आप अपने तरीके से लगाइए, लगाइए अच्छे, हम ये नहीं कह सकते को लगाई नहीं, नॉलेज बहुत है भजनलाल जी को, चुनाव पहली बार जीते होंगे लेकिन संगठन का एक लंबा एक्सपीरियंस है, क्या है अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर के, चलो आपके साथ तो काफी देर बैठ करके आए थे, आपको उनके एक्सपीरियंस अंदाजा नहीं लगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अधिकारियों की ACB की जांच, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि जाकर के वो अधिकारी उस तरह से काम नहीं कर पाता है। अब देखिए अगर 30 साल से कोई इस सर्विस में है, 32 साल से, 35 साल से अगर सर्विस में है, तो वो देखता आ रहा है कि मेरा साथी किस प्रकार का काम करता है। अब शेखर अग्रवाल तो चर्चित रहे थे, अब आपने देखा था कि राजमहल पैलेस को लेकर के जिस तरह का बात हुई थी सारी चीजें, आज वो मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव है, ओके ACS है, और ये मुख्यमंत्री ने अपने बेड़े में इतने सारे अधिकारी लगा लिए, जब भैरू सिंह जी के टाइम में तो देखिए पहले क्या, सही बात है ओम जी ने सही कहा कि राज्यपाल के पास साइन होने जाती थी, चंदा रेड्डी राज्यपाल हुआ करते थे, भैरू सिंह जी ने साइन करने के लिए भेजी, तो चंदा रेड्डी ने कहा भाई मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूँ, तो भैरू सिंह जी कहने बदलाव तो नहीं कर सकते, साइन कर सकते हो, फिर मेरे पास क्यों भेजते हो, उसके बाद राज्यपाल के पास ही सूची जाना ही बंद हो गई, नहीं तो राज्यपाल के साइन होने के बाद जारी होती थी। ये बात सही कि जिस प्रकार से अधिकारी वर्ग कभी भी किसी व्यक्ति का नहीं होता, ये अरबी घोड़े हैं, इनकी लगाम पकड़ने का अगर किसी में मादा है राजनेता में तो उसके अनुरूप काम करते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ये तो केवल ये है कि हमको ये कार्य प्रणाली अपनानी है, सरकार की इच्छा शक्ति ये है, उसके अनुरूप अगर काम करना नहीं करना तो हटा दिया जाएगा, ये सरकार के पास अधिकार है, जब भी तो अधिकारी ठीक ठाक काम करता। अब देखिए सबको तनख्वाह तो बराबर मिलती है, पर कार गाड़ी वाड़ी सब मिलती है, केवल ऊपर का पैसा जो होता है, जो जो जो, जो माना जाता है कि किस तरह कमाई होती है, उसके लिए सब तरसते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो पोस्टिंग क्या होती है, आप IAS बन के आए हो, IAS ही रहोगे,
जहां भी लगाया जाता है आप आईएएस से कम नहीं होते, आपको गाड़ी साधन सब। वापस आ रहा हूं मैं, वापस लौटूंगा आपके पास, मैं ओम जी के पास में वापस आना चाहूंगा। ओम जी, एक महत्वपूर्ण बात इस सरकार की ये देखनी होगी, आपको ध्यान होगा यहाँ पे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जयपुर, भाजपा कार्यालय भी गए थे वो, और उन्होंने विधायकों से जब बात की तो एक बात कही थी कि आप लोग प्रशासनिक फेरबदल के चक्रों में मत पड़ना, तो काम पे फोकस करिए। अभी मैं देख रहा था किसी पार्टी के नेता की अगर विधायकों की रिंग की मंत्रियों की नहीं चलेगी तो समय से पहले हमारा बट्ठा बैठ जाएगा। एक दिन पहले का ही बयान है उनका, सीकर में दिया है उन्होंने। तो ये बताइए कि मोदी साहब ने कहा तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में कोई ज्यादा नजर गड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत स्मार्ट तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग इस सरकार में चलेंगे, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का दखल हो सकता है, बाकी किसी का दखल होगा भी नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब ऐसे लगाए थे डिप्टी सीएम दोनों के, तो ऐसे भी उनकी मर्जी के जो थे वो हटा दिए गए थे। अभी क्या लगता है आपको, तो ज्यादा अपेक्षाएं थी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को या मंत्रियों को, या फिर ये था कि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से तय कर लेगी और वही सिलसिला चलता रहेगा? नहीं योगेश जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं बदल सकते। गवर्नर के हस्ताक्षर तो हर बार होंगे, गवर्नर के पास तो आपको फाइल भेजनी पड़ेगी, वो तो अहिता है उनसे, वो जो 163 है वो तो कभी माइनस हो नहीं सकता। गवर्नर ही अगर सोता रहेगा तो बात अलग है, जैसे ओम माथुर साहब कह रहे कि मैं वहाँ ठाट करने नहीं आया, काम करने आया हूँ। मैं वैसा सवाल ये नहीं है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। विधायकों को कहा गया था बाकायदा भाजपा कार्यालय में जो बैठक थी, इंट्रोडक्शन मानी, उसमें उन्होंने एक तरह से कुमंत्र दिया था कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग्स में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हर अधिकारी योग्य होता है, उनको काम करने देना। ये देखिए, तो हम तीन चीफ मिनिस्टर देख चुके हैं, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अशोक जी को देखा है, वसुंधरा जी को देखा है, नरोत्तम सिंह जी को देखा है, ऐसा होता ही नहीं है। ट्रांसफरों के चक्कर अपनी मर्जी के मुताबिक के लोगों को पोस्टिंग दिलवाने का सिलसिला तो हर विधायक कहता है कि अपने एरिया के अंदर ऐसा आदमी हो जो उसके हुक्म के साथ नहीं काम कर सके, और ये बात ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इतनी स्ट्रांग है कि इनको महत्ता कोई इनके इनके इनसे इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी कोई रूप मतलब इनको सस्पेंड भी और ये सब भी नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी नोटिस वगैरह देने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। तो सुरक्षित होने के बावजूद ये लोग जो इस तरह की चेष्टा करते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, और वो यही सिस्टम में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इतनी आसानी से जो शब्द हम कह देते हैं कि मलाईदार विभाग को दे दिया, काम को नहीं देते। तो मीठालाल मेहता को अगर भैरव सिंह जी ने अपना चीफ सेक्रेटरी बनाया तो उस आदमी ने काम करके बताया कि सब इस तरह की योजना यूं होनी चाहिए, और उसके लिए उनको खुला हाथ मिला। फिर अंत्योदय की योजना याद कीजिए ना आप, भैरव सिंह जी को। अब ये सब विजन, जब आप चीफ मिनिस्टर से विजन ले लेते हैं चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से, तो उसके बाद में अपने सहयोगियों को वो सब कुछ देते हैं। अब पता नहीं वर्तमान जो भजन लाल जी हैं वो अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ में क्या संबंध समन्वय में बिठा रहे हैं और किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास में अपना कोई विजन हो कि राजस्थान में इस तरह का शासन तंत्र होना चाहिए और इस तरह के लोगों को आगे तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना करप्शन पिछले साल भर में देखने को और पकड़ में आया है, उससे मुक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता हो। लेकिन उसमें फिर ये देख, जैसे हम लोगों की निगाह में है कि कौन कहाँ पर पहले क्या कर रहा था और अब वो कहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वैसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ संतुष्टि जरूर हो जाएगी, ये जरूर हो जाएगी कि विधायक कहेंगे कि ऐसा आपने मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छा कर दिया, या मंत्री जी आपने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे यहाँ ये इस आदमी को भेज दिया, ये कर दिया। इस तरह के जो समन्वय बिठाते हैं उसका सिलसिला है। बाकी देखिए, नौकरशाही के साथ में मंत्रिमंडल के लोगों का अगर वैसा तारतम्य बैठता है जैसा वो चाहते हैं तो बड़ा खतरनाक है, और इसी यही सारे करप्शन का कारण है, क्योंकि रूल बुक को छोड़ करके वो अपने तारतम्य और दोस्ताने को एक जरिया बनाते हैं, और उसके बाद में जो काम करते हैं तो पता लगता है बाद में, जब पकड़े जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि कौन किसके पनाह में काम कर रहा था। तो ये जैसे सारा चेक एंड बैलेंस वाला सिलसिला है हमारे इसमें मंत्रिपरिषद और नौकरशाही के साथ में समन्वय वाले में, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। और खासतौर से जैसे जैसे चुनाव महंगे होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सब चीजें ज्यादा असरदार हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो ट्रांसफर हुए हैं, मैं उसमें यही कहूंगा कि या तो भजन लाल जी ने कुछ बहुत गहरा सोचा है और उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, या भजन लाल जी सबके साथ में अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी चाही हुई चीजों के हिसाब से ही लोगों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दी।
ऐसा लगता है। जी 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 राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में जैसे मैंने ओम जी से भी पूछा, मोदी साहब ने पहले ही कह दिया था कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्रों में आप लोग मत पड़िए, अधिकारियों को काम करने दीजिए, एक अच्छी सोच होगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां राजनीतिक दलों में को चुनाव लड़ करके आना है, कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षा है, वहां सब जगह ठीक हो पाएगा, तो इस लिस्ट पे मोदी जी के उस कथन का कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो विधायकों की पहली जिसको परिचयात्मक बैठक कह सकते हैं उसमें ये कहा था कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, लेकिन आप पीछे जाए तो मेरा तो अनुभव ये कहता है कि पिछले जो राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री थे उन वो सब भी यही कहते थे, वो विधायकों से मंत्री के ट्रांसफर पोस्टिंग के कहां चक्कर में पड़ते हो। ये सिद्धांत के तौर पर बात अच्छी लगती है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर पद है, उनके सामने तो पूरी नौकरशाही नतमस्तक होती है, लेकिन जो और विधायक और सांसद हैं या मंत्री हैं उनको अपने क्षेत्र में अपने विभाग में अपने ढंग से काम करना होता है। तो सैद्धांतिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई राजनेताओं को तबादलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो सिद्धांत की बात तो अलग है, लेकिन जब वो वास्तविक रूप से काम करते हैं, कोई अधिकारी किसी मंत्री की बात नहीं माने, उसकी फाइलों को उल्टा करके लिखे, मंत्री जनप्रतिनिधि होता है, वो जन आकांक्षाओं पर काम करता है, वो विधायकों की राय पे भी काम करता है, विधानसभा का सामना करता है, विधानसभा में समस्याएं आती है तो वो मुख्यमंत्री से कहे, और मुख्यमंत्री जब ये सिद्धांत की बात करने लग जाए, नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ो, अरे काम तो उसको करना, नीतियां तो उसको लागू करवानी है उन अधिकारियों से। तो ये बातें जो शासन व्यवस्था में जो जिसको कह सकते हैं कि एक संवेदनशील शासन व्यवस्था जो सरकार देना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं तारतम्य तालमेल जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी है उनके बीच में होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो जनहित के काम है, जनहित की योजनाएं है उनको अच्छे ढंग से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन धरातल पे काम करने के लिए, अब वो जहां तक विधायकों की बात है या उस तरीके की, तो वो अपने स्तर पे या SDM लेवल, तहसीलदार लेवल, उस लेवल पे अपने पसंद के अधिकारी रखना चाहते हैं कि जिससे उनके क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहे, उनके बताए हुए काम निर्धारित समय पर हो, ये बहुत सी चीजें होती है या हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं या मिलते भी अधिकारी अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से, तो वो ये सही कहते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो वो अधिकारियों के भी यहाँ पे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि खुद काम थोड़ी करता है, अधिकारी काम करते हैं कि उसको लागू करते हैं कि ये अच्छे ढंग से हो रहा है, तो वो तभी होगा जब जनप्रतिनिधि का उससे वहां तारतम्य अच्छा होगा। तो धरातल पे तो वो चीजें लागू नहीं होती है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते हैं। मैं पिछले 2-3 मुख्यमंत्रियों का चित्र जो पर्सनल बातचीत में कहते थे कि यार हमारे विधायक तो तबादलों में लगे रहते हैं, ये करे रहते हैं, अरे आप तो बड़े पद पर हो। ये बात केवल मुख्यमंत्रियों के स्तर पर ही कही जाती थी, जो कारण है वो कह सकते हैं, लेकिन विधायक चाहता है कि SDM मेरे यहाँ पे मेरी तरीके का हो, मंत्री है और जिले का है तो देखता है कि कलेक्टर साहब मेरी मर्जी का लगा दीजिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में इसमें दोनों पक्ष है, मतलब आप कुछ इलाके में कहीं SDM या कलेक्टर कहीं लग जाता है कोई जो जनप्रतिनिधियों की पहचान का भी नहीं होता, लेकिन वो जब पद पे आता है तो हो सकता है कि वो जनप्रतिनिधियों से अच्छा तालमेल बैठा लेता है, उनकी भी सुनवाई करता है। तो यहाँ एक बात और अधिकारी देखे कोई भी आएगा, SDM है तो RAS ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कलेक्टर नहीं लग रहा है तो IAS आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री को ये भी कहना चाहिए, मैं पिछले कुछ सरकारों से ये भी सुनता आ रहा हूँ कि साहब वो कलेक्टर हमारी नहीं सुनता, वो सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता, वो SDM हमारी नहीं सुनता, क्या फायदा इनको लगाने का, सरकार हमारी है, चुनाव लड़ने के लिए हमें जाना है, तो इसका इलाज कैसे हो, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं या वाकई कई बार अधिकारी भी एरोगेंट हो जाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये आप एक साल बाद या 2 साल बाद अपन फिर इस पे कभी मतलब अपने डिस्कशन का भी ये मुद्दा होगा कि विधायकों में नाराजगी पनप रही है, नौकरशाही को लेकर नाराजगी पनप रही है, ये खबरें पिछले 20 साल से हम लोग खूब बनाई है, वो हर विधायक दल की बैठक में आप 1.5 साल बाद देखना, सत्ताधारी दल जो भी होता है, मैं इस सत्ताधारी दल की नहीं कह रहा हूँ, पिछले सत्ताधारी दल में भी, उससे पहले भी, वसुंधरा जी के समय, भैरव सिंह जी के समय में भी विधायक दल की जब भी बैठक होती थी कुछ विधायक ये अपनी पीड़ा जाहिर करते थे कि साहब हमारे अधिकारी नहीं सुनते,
हमारे क्षेत्र में कलेक्टर ने ये कर दिया, गड़बड़ कर दी, मैंने तो उसको हटाने के लिए कहा था। तो ये एक जनरल वो है, फेनोमिना है, ये रहेगा। आप 2 साल बाद अखबारों में भी खबरें छपेंगी, अपन भी इस पर डिस्कशन करेंगे कि विधायकों की ये पीड़ा सामने आ रही है। तो ये एक शाश्वत सत्य है, इसमें अभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों की योग्यता का एक आकलन भी होता है, इससे उनका मूल्यांकन भी इस चीज से हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से कैसा तालमेल बनाता है और जनप्रतिनिधि अधिकारी को किस तरीके से गाइडेंस करते हैं कि साहब ये अच्छे काम है, इनको करना है। लेकिन जनरली हम देखते हैं, जिसके मतलब कोई सबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अंदर खाने बातें सुनते हैं कि साहब वो फलाने ने पैसे ले लिए, फलाना जनप्रतिनिधि ऐसा है, उसके वो दलाल है, उनसे काम करा लो। इनके कोई सबूत तो होते नहीं है, लेकिन ये जनचर्चा में रहते हैं, कई बार सबूत भी मिल जाते हैं, कार्रवाइयां भी होती होंगी, ये निश्चित। बिल्कुल जी जी। श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर के। मोदी साहब ने भी कहा, विधायक और मंत्री या क्षेत्र के लोग है वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए क्योंकि सरकार हमारी है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये तालमेल कैसे बैठ सकता है या बैठता नजर आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के पास और मुख्यमंत्री के पास तो जितने पावर है उनको जरूरत ही नहीं है इन सब की, लेकिन क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र में, कलेक्टर एसपी अपने मन मुताबिक लगा लेता है, तो नीचे के अधिकारी लगाने में उसको सरलता हो जाती है, इसलिए वो चाहता है कि मेरे अनुसार एसडीओ लगे, मेरे अनुसार कलेक्टर लगे, मेरे अनुसार एसपी लगे, डीओएसपी लगे, क्योंकि उसको नीचे के अधिकारी अपने। लेकिन ये भी पता है अधिकांश 60% जनप्रतिनिधि चुनाव वापस जीत के आते नहीं है, उनको पता नहीं क्यों ऐसा गलतफहमी हो जाती है कि वो जनता का काम करने के बजाय वो कुछ और काम में लग जाते हैं। निश्चित तौर पर जब आप देखिए शिकायतें, आप देखिए आरुषि मलिक की बात आ रही है, उसने अजमेर संभागीय आयुक्त रहते हुए अपनी सास के नाम से जमीन खरीद ली, बेच दी, अब उनको हटाया गया है भाई यहाँ से, अब संभागीय आयुक्त जयपुर लगा दिया, फिर हटाओ। ये सब चीजें भी जांचें भी चली है और बहुत सारी इसमें देखिए तबादलों से पहले बहुतों की जांचें हुई है और जांचों में बहुत सारी चीजें कमियां और उजागर हुई है, तो उनको वहां से पद से हटा करके दूसरी जगह लगाए। ये अच्छी बात है कि कम से कम भैरू सिंह जी जैसे हर अधिकारी की फाइल रखते थे, फाइल रखने की तरीका अगर सीख गए आप तो अधिकारियों को काबू में किया जा सकता है। ऐसे मंत्रियों की फाइल रखनी पड़ती है, ऐसे विधायकों की फाइल रखनी पड़ती है, जिससे कि विधायक जी को कहे भाई आप आए तो तबादला कराने, लेकिन ये चीजें हैं आपकी शिकायत, बताओ कुछ करना, नहीं नहीं आप तो अपने देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ। तो इस तरह की स्थितियां आ रही थी, खुद के व्यक्ति हर जिले में अगर मुख्यमंत्री जी लगा देंगे जो पार्टी के लोग होंगे जो उनकी कमियां उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो शासन में कसावट आ सकती है। वो क्या रहा है कि शासन में अधिकारियों के भरोसे शासन नहीं चलता, हमेशा जनप्रतिनिधि अपने तौर तरीके अपनी सूचनाओं के आधार पर शासन करता है। देखिए भैरू सिंह जी के साथ साथ आप देखिए हरदेव जोशी भी अपने लोग रखते थे, उनका खर्चा वर्चा भी खुद उठाते थे, देता दिलाते थे, लेकिन सूचनाएं आती थी उनके पास, कमियां आती थी उनके पास। जी मैं रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक राजनीति के एक समझने की एक बड़ी बात भी होती है और उसी से आपकी मुझे लगता है कि हुनर का भी पता लगता है कि कितनी आपके पास से फीडबैक की चीजें आती हैं कि किस जिले में, किस तहसील में, किस विधानसभा में क्या चल रहा है। भैरव सिंह जी इसके काफी मास्टर थे और उनके पास में चीजें भी होती थी, तभी तो उनकी लीडरशिप के लिए आज सारे दल याद करते हैं उनको। विधानसभा में हम सुनते हैं कि बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे दूसरे दलों के हों, भैरव सिंह शेखावत का नाम लेते थे, वो बड़प्पन भी रखते थे, राजनीति को सहम आपको बहुत अच्छे से भी समझते थे। खैर ट्रांसफर पोस्टिंग है, लेकिन बस इतनी बात जरूर होती। जी जी ओम जी, समय कम है। एक बात सिर्फ इतनी सी कि इनसे मुक्ति के लिए एक ट्रांसफर नीति बनाने वाला सिलसिला प्रारंभ हुआ था, वो ये कि ट्रांसफर करने से पहले सारा तय करते थे और कैसे, तो उसके बाद उनको झगड़ा फसाद होता नहीं था, लेकिन जब से करप्शन का रास्ता सामने आया तब से गड़बड़े होने लगी है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।